हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट टेक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने ही फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशंस या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं माइक्रोस्कोप की। जी हाँ गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक छोटा सा मिनी एंड पोर्टेबल माइक्रोस्कोप है जिसे आप कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हो और कहीं पर भी यूज कर सकते हो। अब ये जो माइक्रोस्कोप आप देख रहे हो, मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप इससे बैक्टीरिया वायरस देख सकते हो, नहीं, आप इससे बैक्टीरिया वायरसेस इन सब चीज़ों को नहीं देख पाओगे, लेकिन आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इसमें रख के 60 टाइम्स उसे जूम करके देख सकते हो क्योंकि इसमें आपको 60x मैग्निफिकेशन मिलता है। अब ये जो माइक्रोस्कोप आप देख रहे हो, ये बेसिकली आपका यहां पर देखिए लिखा है करेंसी डिटेक्टिंग विद एलईडी माइक्रोस्कोप। तो इसमें आप नोट वगैरह रख के देख सकते हो उसे जूम करके कि आखिर एक नोट कैसा दिखता है, या फिर पेड़ पौधे या फिर इंसेक्ट्स वगैरह आप इसके नीचे रख के उसको जूम करके देख पाओगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है। अब ये जो माइक्रोस्कोप आप देख रहे हो मेरे हाथों में मैं रख रहा हूं, देखिए कितना छोटा है, इसलिए एक मिनी एंड पोर्टेबल माइक्रोस्कोप है और काफी हल्का भी है। ये जो माइक्रोस्कोप आप देख रहे हो ये आपको बिल्कुल इस तरह के एक छोटे से कार्डबोर्ड पैकेट में मिलता है। अगर मैं आपको यहाँ पर इसका जो इमेज है वो दिखाऊं तो बिल्कुल इसी तरह का प्रोडक्ट हमें इसके अंदर मिलेगा। और यहाँ पर आप इसके फोकस को भी एडजस्ट कर सकते हो, यानी ये छोटा और बड़ा आप इसे बहुत ईजिली कर पाओगे। तो चलिए अब हम इसके अंदर हमें जो चीज़ मिलती है वो हम देख लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो आपको एक छोटा सा पाउच इसके अंदर मिल जाता है और इसी के अंदर हमारा माइक्रोस्कोप है। तो पाउच को भी हम खोल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाता है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं वीडियो के दौरान भी आपको बता दूंगा इसे कैसे यूज़ करते हैं। इसे हम साइड में कर लेते हैं और फिर हमारा जो मिनी एंड पोर्टेबल माइक्रोस्कोप है वो हम बाहर निकाल देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो यह है हमारा करेंसी डिटेक्टिंग 60x माइक्रोस्कोप। कितना छोटा है आप देख सकते हो। अब इसे कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अब ये माइक्रोस्कोप के जो पार्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये दो पार्ट्स में दिया गया है, नीचे वाला एक हिस्सा और ऊपर वाला एक हिस्सा। नीचे वाला जो है ये आपका माइक्रोस्कोप है, या फिर आप इसे लेंस कंपार्टमेंट भी कह सकते हो क्योंकि इसी में ही आपका ऑब्जेक्टिव लेंस सामने दिया गया है और यहाँ पर आईपीस दिया गया है जिसके थ्रू आप किसी भी चीज़ को देख सकते हो। ऊपर वाला है आपका बैटरी कंपार्टमेंट या फिर लाइट कंपार्टमेंट। इस कंपार्टमेंट के आगे आप देख सकते हो 3 LED लाइट्स लगे हुए हैं। लेफ्ट एंड राइट वाला जो लाइट्स है ये आपका व्हाइट लाइट है, बीच में जो लाइट है ये आपका यूवी लाइट है क्योंकि करेंसी डिटेक्शन के लिए हम लोग यूवी लाइट्स यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आपको एक स्विच दिया गया है जिसके थ्रू आप इन लाइट्स को ऑपरेट करोगे। अब ये जो नीचे वाला माइक्रोस्कोप का हिस्सा आप देख रहे हो इसे आप इस तरह से खींच सकते हो, तो ये आपका फोकस एडजस्ट के लिए दिया गया है। तो आप इसे जितना पास रखोगे उतना ज़्यादा जूम रहेगा, जितना पीछे करोगे उतना थोड़ा सा जूम कम होता जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा नॉब मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा पाऊँ। इसे अगर आप इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इसके अंदर जो बैटरी लगा हुआ है वो भी आप देख सकते हो। ये थोड़ा सा टाइट रहेगा, तो जैसा आप देख सकते हो ये खुल चुका है और यहाँ पर आपको बैटरीज पहले से इंक्लूडेड मिलता है। तो जब ये बैटरी ख़राब हो जाए या फिर बैटरी ख़त्म हो जाए इसका चार्ज, तो आपको इसी बैटरीज के साथ रिप्लेस करना होगा। इसके अंदर आपको 3 बैटरीज लगते हैं। तो चलिए वापस से हम इसे इस तरह से घुमा कर बंद कर लेते हैं। तो बंद करने के लिए इसे इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाइए और ये बंद हो गया। यहाँ पर आपको जो नॉब मिलता है यानी जो बटन है उसे मैं ऑन करता हूँ, तो देखिए ये अभी हमारा जो वाइट लाइट है वो ग्लो होने लगा है। फिर से आप थोड़ा सा इसे इस तरफ लाइए तो आप देख सकते हो जो यूवी लाइट है वो अभी ग्लो होने लगा है। मैं फिर से कोशिश करता हूँ, बीच में अगर आप रखते हो तो ये बंद हो जाएगा। एक्सट्रीम लेफ्ट लेते हो तो इसमें देखिए आपका वाइट लाइट ग्लो होने लगा। सिमिलरली एक्सट्रीम राइट अगर इसे लेते हो तो ये आपका यूवी लाइट ग्लो होने लगा। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को इसके नीचे रखते हैं और देखते हैं आखिर ये कैसा दिखता है। तो गाइज अभी जैसा आप देख सकते हो मेरे पास एक 500 रुपीज़ का नोट है और हमारा जो माइक्रोस्कोप है वो मैंने यहाँ पर रखा है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसका जो एलईडी लाइट है उसे मैं ऑन कर लेता हूँ और फिर हम क्या करते हैं माइक्रोस्कोप को इस तरह से पास में रखते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा पाऊँ। तो अभी जैसा आप देख सकते हो कितना बढ़िया दिख रहा है और कितना ज़्यादा जूम हो रहा है। क्या आपको पता था कि जो नोट रहता है उसमें इस तरह के छोटे छोटे स्लॉट्स रहते हैं? तो जैसा आप देख सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पर भी देखते हैं तो कितना अच्छा दिख रहा है आप देखिए।
तो इस तरह से आप इस माइक्रोस्कोप को यूज कर सकते हो। अभी जैसा आप देख सकते हो मेरे पास एक नॉर्मल सा व्हाइट कलर का कपड़ा है, इसे अभी हम जूम करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोबाइल को थोड़ा पास ले आते हैं, फिर जो हमारा माइक्रोस्कोप है उसे लेके आते हैं और इसे अभी हम ऑन कर लेते हैं। और अभी आप देखिए एक कपड़ा पास से कैसा दिखता है, वाओ, मतलब बहुत ही बढ़िया लगा यार मुझे ये माइक्रोस्कोप सच में। तो माइन्यूटली आप देख सकते हो जो कपड़े की सिलाई होती है वो कैसा होता है। तो अभी गाइज मेरे पास एक नॉर्मल सा पत्ता है, उसे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो माइक्रोस्कोप को हम नीचे लाते हैं, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ इसे वापस से ऑन कर लेता हूँ इसके स्विच को, और अब हम इसे देखते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा, जैसा आप देख सकते हो तो जो पत्ते का स्ट्रक्चर है वो भी कितने अच्छे से दिखाई दे रहा है, वाओ। कितना बढ़िया जूम हो रहा है आप देख सकते हो। तो हर एक चीज आप माइन्यूटली ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर कोई इंसेक्ट वगैरह है तो उसे भी आप इस तरह से पास में रख के देख सकते हो। इसमें आपको 60x जूम मिल जाता है। कितना अच्छा दिख रहा है। तो गाइज इस तरह से आप इस माइक्रोस्कोप को किसी भी ऑब्जेक्ट पर यूज कर सकते हो। तो गाइज अब इस माइक्रोस्कोप के जो थोड़े बहुत फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, ये बहुत ही लाइट वेट है जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था। दूसरी चीज़ है, इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। मैंने इसे 299 रुपीज़ में ख़रीदा है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपये में मैंने इसे ख़रीदा है। अभी आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगहों पर अवेलेबल है। अगर आप इसे ऑफलाइन ख़रीदना चाहते हो तो आप कोई भी एसेसरीज़ दुकान पर चले जाइए, जैसे आपका मोबाइल एसेसरीज़ वगैरह जहाँ पर मिलता है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। इसका जो ऑनलाइन लिंक है वो भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर मैं कलर की बात करूं तो इसके आपको दो कलर्स मिलते हैं, एक है आपका जो ये वाला कलर सिल्वर कलर आप देख रहे हो, दूसरा आपका कंप्लीटली ब्लैक कलर भी मिलता है, लेकिन वो वाला अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने ये वाला कलर खरीदा। एक और चीज़, इसमें आप जो लाइट कंपार्टमेंट है उसे आप एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एक चीज़ को नीचे रखा है और आपने लाइट को ऑन किया, लेकिन इसका जो लाइटिंग है वो यहाँ पर नहीं गिर रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, इसे आप इस तरह से ऊपर कर सकते हो, जिससे क्या है, जो लाइटिंग है वो आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस हो जाएगा। तो आप इसे इस तरह से रख कर, इस तरह से रख कर किसी भी शेप या किसी भी स्ट्रक्चर में रखकर यूज कर पाओगे। इसमें आपको फोकस एडजस्टर भी मिलता है, आप इसे पीछे कर सकते हो या फिर सामने कर सकते हो, ताकि आपका जो इमेज है उसकी क्लैरिटी बनी रहे। तो गाइज ये है हमारा करेंसी डिटेक्टिंग 60x माइक्रोस्कोप, या फिर आप इसे किसी भी ऑब्जेक्ट पर भी यूज कर सकते हो। तो गाइज आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोज के साथ आपके सामने फिर आऊंगा, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।